हाय स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक हमने लिया है मेटल और नॉन मेटल से। टॉपिक है कोरोजन क्या होता है और प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, जो हम करेंगे डिटेल में करेंगे इसको। देखो, कोरोजन सबसे पहले क्या होता है कि जब भी कोई मेटल एयर के संपर्क में आती है तो वो क्या हो जाती है, कोराइड हो जाती है, उसको जंग लग जाता है ना। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, देखा है आपने, आयरन के ऊपर जब ऑक्साइड की परत जम जाती है, ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है कोई लोहे का टुकड़ा है, जब वो बाहर रहता है तो उसके ऊपर जो वो जंग जो वो लग जाता है ना। तो इस तरह से कोरिजन जो हो आ जाता है मेटल्स के ऊपर। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे हम सिल्वर का एग्जांपल लेते हैं, तो सिल्वर जो है वो सल्फाइड के साथ, सिल्वर जो है वो सल्फाइड के साथ जो वो सल्फाइड जो वो बनाती है, सल्फाइड का और जो इसमें बन जाता है, इसके ऊपर सल्फाइड की परत जो वो जम जाती है और इसका कलर जो वो वाइट से ब्लैक जो वो हो जाता है ना। इस तरह से कॉपर का भी है, कॉपर जो है वो कार्बोनेट बनाता है, कार्बोनेट जो है ये बनाता है और उसका कलर भी ब्लैक जो वो हो जाता है ना। और जैसे आयरन का आपको पता है, आयरन जो है वो ऑक्साइड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है और आयरन ऑक्साइड जो वो बना लेता है। तो इस तरह से इन मेटल्स के ऊपर जो वो कोराइट जो वो रस्ट जो वो लग जाती है ना। यहाँ पे देखो, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके हम समझने की कोशिश करेंगे इसको कि कैसे जो है ये रस्टिंग जो है वो हो जाती है, कोराइट जो वो मेटल हो जाती है। जैसे यहाँ पे हमने वाटर ले लिया, जैसे एक टेस्ट ट्यूब ली मैंने, एक इसमें मैंने वाटर डाला है और वाटर में मैंने डाल दी एक लोहे की कील, है ना, और इसको मैंने ऐसे इस तरह से बंद कर दिया, जैसे इसको कॉर्क लगा दिया मैंने इसके ऊपर, इसको मैंने इस तरह से बंद कर दिया ऊपर से, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में ऐसा किया मैंने। सेकंड में मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने कील डाल दी, कील डालेंगे हम, लोहे की कील डाल देंगे इस तरह से, और फिर इसको मैं क्या रख दूंगा, ऑयल डाल दूंगा इसके ऊपर, जो हमारा ऑयल की लेयर जो वो यहाँ पे बना देता हूँ अगर, तो है ना। और थर्ड केस में क्या करेंगे, इसको भी मैंने बंद जो वो कर देना, वैसे कॉर्क लगा के जो है इसको बंद कर देना मैंने इस तरह से। और तीसरे केस में हम लेंगे कैल्शियम क्लोराइड, एक ड्राइंग एजेंट है ये, ड्राइंग एजेंट यानी कि ये, और इसमें भी मैंने वैसे ही कील जो वो डाल देनी और कैल्शियम क्लोराइड जो है यहाँ पे मैंने डाल दिया और इसको भी मैंने वैसे ही कॉर्क के द्वारा जो वो बंद कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगी ड्राई एयर होगी और जो नमी होगी उसको ड्राइंग एजेंट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया वो उसको क्या कर लेगा, सुखा लेगा इस एयर्स को। तो यहाँ पे आप देखो कि फर्स्ट केस में तो आपको पता लगे कि जब लोहे के इसको हमने पानी में डाल दिया तो नेचुरली ये तो क्लोराइड जो वो हो जाएगा। सेकंड, यहाँ पे जो ऑयल की लेयर होगी ये कम से कम क्या करेगी, इसको जो बाहर का संपर्क है, एयर का अगर संपर्क है तो इस एयर के संपर्क को अंदर जो वो नहीं जाने देती है, इसको वो तोड़ देती है। तो इस तरह से इसमें भी रस्ट जो वो नहीं लगेगा, ये क्लोराइड जो वो नहीं होगी। और तीसरे केस में अगर सी टेस्ट ट्यूब में देखते हैं तो ये इसमें भी आपको रस्टिंग जो वो नहीं मिलेगी, ये भी क्लोराइड जो वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो नमी अगर आएगी इसके अंदर तो यहाँ पे हमने कैल्शियम क्लोराइड ये ड्राइंग एजेंट जो वो डाला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप कोरिजन को थोड़ा सा समझ सकते हैं। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है कि कैसे हम कोरिजन को बचा सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे हो सकती है। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पेपर में आता ही आता है, जो यहाँ पे मैं आगे करूंगा, ये प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, यहाँ से 101% आपको क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको आता ही है। तो सिंपल से जो मेथड है जिसमें हम कोरोजन को बचा सकते हैं वो एक तो है पेंटिंग है ना, पेंट कर सकते हैं, जो मेटल है उसके ऊपर पेंट कर देंगे तो वो क्या होगा, मेनली पेंट करने से क्या, जैसे आयरन का पीस है इसके ऊपर अगर हम पेंट कर देते हैं इस तरह से, तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है या एयर होती है उसका कॉन्टेक्ट जो है वो टूट जाता है, वो आगे इसके साथ, जैसे आयरन है ना,
तो आयरन के साथ इसका कॉन्टैक्ट जो वो नहीं रहता है ड्यू टू दिस पेंट, पेंट के साथ ही ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट होगा, है ना। तो इस तरह से पेंट करके हम इसको बचा सकते हैं। सेकंड, इसको हम ऑयल से भी बचा सकते हैं ग्रीसिंग करके, जैसे हम मशीनों की ग्रीसिंग करते हैं, है ना, तो ग्रीसिंग करके भी इसको बचा सकते हैं। इसके बाद गैल्वेनाइजेशन एक टेक्निक है, उसके द्वारा इसको हम बचा सकते हैं, और क्रोमियम क्रोम करके भी इसको बचा सकते हैं, और इसके अलावा एलोइंग भी एक टेक्निक है, एलोइंग टेक्निक भी है एक। तो इसमें देखो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, देखो ऑयल ग्रीसिंग तो आपको पता लग गया, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि हम स्टील के ऊपर या आयरन के ऊपर, स्टील हो गए या आयरन के ऊपर हम जिंक की पेंटिंग, जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जिंक की एक, जिंक मेटल की एक लेयर जो उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जिंक जो है वो लेस रिएक्टिव है टुवार्ड्स ऑक्सीजन, तो उसका उसके ऊपर जल्दी जंग नहीं लगता है, तो वो जिंक जो होगा वो एयर के कॉन्टैक्ट को तोड़ देगा विद स्टील और आयरन। तो जब हम स्टील या आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। उसी उसी साथ क्रोम क्रोम की क्रोम की भी हम परत जो वो स्टील आयरन के ऊपर जो वो चढ़ा सकते हैं क्रोम की भी, और वो भी रस्टिंग से इसको बचा सकता है, ठीक है। उसके बाद है एलोइंग, एलोइंग का मतलब मिश्र धातु। हम क्या करेंगे, दो या तीन जो मिश्र मेटल्स होंगी उनको मिक्स कर देंगे, और जो एलो बनेगा, जो मिश्र धातु बनेगी वो भी रस्ट से रेजिस्टिविटी जो वो शो करेगी, उसके ऊपर भी जंग नहीं लगेगा, और उसके प्रॉपर्टीज भी आपकी डिजायर प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी, उससे प्रॉपर्टीज जो है वो उसकी बदल जाती है ना, वो आपकी मर्जी की डिजायर प्रॉपर्टी का जो वो हो जाता है ना। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें आयरन है, निकल है, या और प्लस इसमें हम डाल देते हैं एल्युमिनियम, तो इससे क्या बन जाता है, इससे बन जाता है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील जो वो बन जाता है, और स्टेनलेस स्टील जो होती है दैट इज मोर हार्ड, ज़्यादा ये हार्ड होती है, और ये ज़्यादा इसमें लस्टर भी होती है, ज़्यादा चमक भी होती है ये स्टेनलेस स्टील में, तो ये भी एक एलॉय जो हम बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे हम आयरन की बात करते हैं, जो आयरन होता है, आयरन जो प्योर फॉर्म में आयरन होता है, जो प्योर फॉर्म में आयरन होता है वो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसको यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो उसके हम कोई भी चीज़ जो वो नहीं बना सकते हैं। लेकिन जब इसको इसका जब हम एलो करते हैं, एलो बनाते हैं इसको, आयरन के साथ हम क्या मिक्स करते हैं, कार्बन, और कितने लगभग 0.05% कार्बन इसमें हम यूज़ करते हैं, तो ये जो सॉफ्ट आयरन होता है ये हार्ड हो जाता है, ठीक है। और हार्ड होने पर इसको हम डिफरेंस जो हम सामान बनाते हैं, आयरन का जो सामान बनाते हैं उसको हम बना सकते हैं, तो मतलब इसके अंदर हमें कार्बन जो वो डालनी पड़ती है, है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें गोल्ड की, गोल्ड की अगर हम बात करते हैं सोने की, तो जो प्योर गोल्ड होता है दैट इज जिसको हम बोलते हैं 24 कैरेट का, तो 24 कैरेट का जो कैरेट जो है दैट इज द यूनिट टू मेजर द प्योरिटी ऑफ गोल्ड, गोल्ड की प्योरिटी मापने के लिए यूनिट होता है कैरेट का, तो यहाँ पे 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है दैट इज प्योर, और वो बहुत सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि इसको अगर हाथ में इस तरह से आप पकड़ते हैं तो वो लुढ़क जाता है नीचे को, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो उसके हम ज्वेलरी या ऑर्नामेंटल जो वो कुछ भी नहीं बना सकते हैं, तो इसको ऑर्नामेंटल या ज्वेलरी बनाने के लिए हम इसमें 22 कैरेट का गोल्ड ही यूज़ करते हैं, है ना। तो 22 कैरेट का मतलब क्या हुआ कि इसमें 22 पार्ट्स जो होंगे वो गोल्ड के होंगे, और प्लस इसमें 2 पार्ट्स जो हम डालेंगे वो या तो उसके हम अंदर हम डाल देंगे सिल्वर, सिल्वर डाल देंगे या फिर कॉपर जो इसके अंदर डाल देंगे, तो ये भी एक अलॉय जो वो बन जाता है, और उसी इसी अलॉय को जो हम यूज़ करते हैं,
ज्वेलरी बनाने में, है ना। और एक और एग्जांपल भी है, जैसे मरकरी का एग्जांपल है, मरकरी जो है ना, अमालगम पढ़ा है आपने, अमालगम, अमालगम एक एलॉ है, ये भी एक मिश्र धातु है, और इस अमालगम में एटलीस्ट एटलीस्ट वन मेटल इज, एटलीस्ट वन मेटल इज मरकरी, ठीक है। तो जिसमें कम से कम एक धातु जो है वो, एक मेटल जो है मरकरी होती है, उसको हम अमालगम जो है वो बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसका हमने सीनावार भी किया था ना, सीनावार इसका ओर था, ओर मतलब जिसमें ऐसा ओर जिसमें कम से कम एक मेटल जो मरकरी होती है वो सीनावार था, ये एलॉ, ठीक है। उसके बाद कुछ और एग्जांपल हैं एलॉ के, जैसे ब्रास का एग्जांपल किया था हमने, ब्रास का, ब्रास जो पीतल होती है, जो आपके स्कूल की घंटी होती है वो ब्रास की जो बनी होती है, तो ये कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन जो वो होता है ना, इसमें 70% कॉपर और 30% जो वो जिंक होता है, तो इसकी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल अलग हो जाती है कॉपर और जिंक की अपेक्षा, है ना, इसकी प्रॉपर्टी जो अलग हो जाती है। और इसके अलावा, ब्रास के अलावा ब्रॉन्ज है एक, पित्तल जिसको हम बोलते हैं, तो ब्रॉन्ज भी किसका कॉम्बिनेशन है, ये भी दो मेटल का कॉम्बिनेशन है, इसमें एक होता है आपका कॉपर और दूसरा होता है इसमें टिन, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, ये जो ब्रॉन्ज होता है ना, अगर ब्रॉन्ज होता है दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है भाई, हालांकि कॉपर जो है दैट इज द गुड कंडक्टर, लेकिन जब एलॉ बन गया तो इसके जो प्रॉपर्टीज थी वो चेंज हो जाता है, एलॉस की प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाती है, है ना, और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो हो जाते हैं एलॉ में, एलॉ के केस में। उसके बाद अगर हम एक एग्जांपल हमारे पास सोल्डर, सोल्डर जो होता है वो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में जो है वो यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग में जो वो यूज़ किया जाता है, और ये किसका, किससे बनता है, ये लेड और टिन से ही बनता है ना, ऐसा जो है टिन है, तो इन दोनों से ही सोल्डर जो वो बनता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल ऐसे हैं जो आपको बताते हैं कि एलॉ जो है वो एक अच्छा हमारे पास टेक्निक है, एलॉ के करके हम एक तो उसको रस्टिंग से बचा सकते हैं, और दूसरी उसकी जो डिज़ायर प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें सिंपल मेटल में नहीं मिलती है, उसका एलॉ बनाकर हम उसकी मनचाही प्रॉपर्टी जो को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये आज का हमारा टॉपिक जो हो समाप्त हुआ, थैंक यू।